तो अब एलजेपी में बगावत। चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस झटके पर झटका दे रहे हैं। पार्टी में घमासान चरम पर है। अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान अब शुरू हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंचे। माना जा रहा है कि प्रदेश के एलजेपी नेताओं से भी समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 17 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पारस ने दावा किया है कि पार्टी में उनके साथ बहुमत है। सभी 5 सांसद के अलावा अन्य तमाम नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। चिराग पासवान ने चाचा पारस को मनाने की कोशिश की। एलजेपी में 6 में से 5 सांसदों के विद्रोह के बाद डैमेज कंट्रोल के तहत मारीना पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया और उनकी कोशिशों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान छिड़ा हुआ है, जिस तरह से कल के दिन पूरा सियासी घटनाक्रम आपने देखा होगा, लेकिन अभी भी है थमा नहीं है, क्योंकि एलजेपी के अध्यक्ष पारस केंद्र में अब मंत्री बन सकते हैं ये भी कहा जा रहा है। और खुद को बीजेपी का हनुमान कहने वाले चिराग को आरजेडी और कांग्रेस ने ऑफर भी दिया इस समय, लेकिन अब सियासी विकल्प क्या है इन दोनों नेताओं के पास? पशुपति पारस अगर अध्यक्ष होते हैं एलजेपी के नए नेतृत्व के बाद बिहार से लेकर केंद्र तक की सियासत में बदलाव, और एलजेपी के नए नेता बने पशुपति पारस ने साफ कह दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और साथ रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान भी लगातार खुद को बीजेपी के हनुमान के तौर पर पेश करते रहे और एनडीए के साथ रहने का लगातार वो दावा भी करते रहे। ऐसे में चिराग के अगले कदम पर सभी की निगाह होगी कि क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं, चिराग को बीजेपी क्या उनकी मदद करेगी। लेकिन पशुपति पारस के अगले कदम पर अब सभी की नज़र है, क्योंकि पशुपति पारस ने कल के दिन 5 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें एलजेपी के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी। एलजेपी एनडीए के साथ रही और चुनाव लड़ी तो पशुपति पारस ने साफ कहा है कि एनडीए के साथ हैं। ऐसे में सत्य होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह भी मिल सकती है। दिल्ली में चर्चाएं कि पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री या फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो 17 जून को दिल्ली में बैठक, ये जिस तरह से एक मोड़ आ गया एलजेपी में, अचानक से सोचा भी नहीं था चिराग पासवान ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने अकेले नीतीश कुमार पर कई हमले किए। यहां तक कि चिराग पासवान ने ये तक कह दिया था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जेल में होंगे। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने खुलकर नीतीश कुमार का साथ दिया और ना ही चिराग पासवान का। विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ये भी दोहराते रहे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनकी पूरी आस्था बीजेपी के साथ है। बिहार विधानसभा में उन्हें जीत मिलती है तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उधर बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी ने मिलकर विधानसभा में बहुमत पा लिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अब चिराग पासवान के लिए बहुत ज़्यादा विकल्प अब नहीं खुले हैं। चिराग पासवान आज बीजेपी आलाकमान से मिलकर अपनी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। यदि बीजेपी उनका साथ देती है तो जेडीयू और नई एलजेपी बीजेपी से संजय वर्मा नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू के फोन लाइन पर। संजय जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। थैंक यू संजय जी। जो सियासी घटनाक्रम पिछले 2 दिनों से जारी है, आप पशुपति पारस का ये कहना कि अब अध्यक्ष की कुर्सी पर भी मैं बैठूंगा, तो क्या आप कोई विकल्प अब नहीं बचा है चिराग पासवान के सामने? आपको क्या नजर आता है? देखिए, उन्होंने जैसा किया है, पार्टी के अंदर काफी विरोध के स्वर पहले से ही उनके खिलाफ था। न केवल हम लोग जो जान रहे हैं, दूर से देख रहे थे
राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में, बल्कि नीचे भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर थे और उनके जो काम करने का तरीका है इसी का परिणाम ये है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नया अप्रत्याशित आज ही घटना हो गई है, ये अंदर अंदर पहले से चल रहा था जी। मतलब कि अब बीच मझधार में फंसी है बीजेपी की गाड़ी। अब वो तो बीजेपी की गाड़ी नहीं, चिराग पासवान जी ने जो अपना कदम लगातार गलत दिशा में, राजनीतिक गलत दिशा में ले जा रहे थे, उसका परिणाम हुआ है। आदरणीय राम विलास पासवान जी ने बड़ी मुश्किल से दलितों के लिए संघर्ष करके एक नया दौर शुरू किया था बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, उसको नकाबूद कर दिया उनके सुपुत्र ने। चलिए शुक्रिया संजय जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो एलजेपी में बगावत तो हो चली है, लेकिन चिराग पासवान जो कि अब एकदम बीच में फंसे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या। हालांकि अब आरजेडी से कांग्रेस से उनको न्योता दिया जा रहा है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।